हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द फाइनल विक्ट्री। सो लेट अस बिगिन एक्सप्लेनिंग द पार्ट एंड बिफोर वी बिगिन राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स व्हिच यू हैव ऑन द स्क्रीन। ओके, तो अभी जो वर्ड मीनिंग्स तुम्हारे स्क्रीन में है उन वर्ड मीनिंग्स को तुम लिखो, राइट इट इन योर कॉपीज, पॉज द वीडियो एंड राइट दोज वर्ड मीनिंग्स। So let's begin understanding the third part. The day of the tournament dawned. Streets glistened with fresh snow and the sky was a blameless blue. तो writer यहाँ पे description दे रहे हैं कि जिस दिन का सुबह वो competition शुरू होने वाला था, kite fighting tournament या kite running tournament जो शुरू होने वाला था, उस कंपटीशन के दिन सुबह जब सूरज उठता है, डाउन का मतलब होता है सनराइज, स्ट्रीट ग्लिस्टन का मतलब होता है शाइन करना, तो स्ट्रीट्स क्यों शाइन करते हैं, क्योंकि स्ट्रीट्स के ऊपर स्नो रहता है और जब सूरज की किरणें स्नो में गिर पड़ता है उस पड़ने के कारण लाइट्स रिफ्लेक्ट होके ग्लिटर करता है। ओके, विथ फ्रेश स्नो एंड द स्काई वाज ए ब्लेमलेस ब्लू, और आसमान का जो नज़ारा होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि कोई देखने के बाद ये सोचेगा कि ये आसमान किसी भी बुरे चीज़ों का हकदार नहीं है, किसी भी गुनाह उसने नहीं किया है, इतना मासूम है। ओके, स्नो ब्लैंकेटेड एवरी रूफ टॉप एंड वेट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द स्टंटेड मलबेरी ट्रीज दैट लाइंड आवर स्ट्रीट। स्नो ब्लैंकेटेड एवरी रूफ टॉप, जो घर के जो छत होते हैं उन सब छतों में स्नो गिर के एकदम ब्लैंकेटेड का मतलब होता है जब हम कुछ ब्लैंकेट या किसी कपड़ों से किसी चीज़ को ढकते हैं। ओके, वेन एवर यूज टू कवर एनीथिंग, तो कवर करने के बाद जैसे होता है, तो लाइक दिस द स्नो ऑल्सो कवर्ड द रूफ टॉप्स ऑफ पीपल हाउसेस एंड वेज्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द स्टंटेड मलबेरी ट्रीज, और मलबेरी ट्रीज का जो ब्रांचेस होता है उन ब्रांचेस पर आके ऐसे गिरा है जैसे कि उन फलों को ग्रो करने में बाधाएं दे रही है। ओके, दैट लाइंड आवर स्ट्रीट, और उन मलबरी ट्रीज क्या है, रास्तों में एक लाइन बनाते हुए उन ट्रीज एक रो बनाते हुए। ओके, पूरा स्ट्रीट के साइड में मलबरी ट्रीज होता है और उन ट्रीज एक लाइन की तरह रहता है। आई हार्ड बाबा मटर ए प्रेयर अंडर हिज ब्रेथ, और जब वो राइटर घर से निकल रहे थे तो उन्होंने क्या सुना, उनके बाबा वो मन में कुछ दुआएं पढ़ रहे थे उनके बच्चों के लिए। ओके, अंडर हिज ब्रेथ ही ऑलवेज सेड ए प्रेयर व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, और राइटर ये बोल रहे हैं कि जब भी वो घर छोड़ के कहीं जाते हैं तो हर वक्त उनके बाबा उनके लिए दुआएं करते हैं। सो नेक्स्ट सी व्हाट कम्स इन द नेक्स्ट पैरा, आई हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल इन आवर स्ट्रीट। अभी राइटर ये बोल रहे हैं कि मैंने हमारे गली में इतने सारा आदमी एक साथ कभी नहीं देखा है। किड्स वेयर फ्लिंगिंग स्नोबॉल्स, स्क्वेबलिंग, चेजिंग वन अनदर, गिगलिंग, तो बच्चे क्या कर रहे थे, किड्स वेयर फ्लिंगिंग का मतलब होता है थ्रोइंग स्नोबॉल्स, स्नो को बॉल्स बना के एक दूसरे के ऊपर मार रहे थे। ओके, स्क्वेबलिंग, स्क्वेबलिंग का मतलब होता है आर्गुइंग, मतलब एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ओके, चेजिंग वन अनदर, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। गिगलिंग का मतलब होता है हंसना, इतने ज़ोर से भी नहीं, थोड़ा लाइटली हंसना और उस हंसी को बार बार रिपीट करना। ओके,
kite fighters were huddling with their pole holders. So huddling का मतलब होता है crowding together. तो kite fighters क्या कर रहे थे, were huddling with their pole holders. जो उनके साथी थे उन साथी को क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, सबको बुला रहे थे. ओके एंड मेकिंग लास्ट मिनट प्रिपरेशंस. और आखिर का जो जो रेडी गेम के शुरुआत का पहले जो वक्त होता है, जिस वक्त में फाइनल प्रिपरेशंस लेते हैं, तो दे वर टेकिंग द फाइनल प्रिपरेशंस फॉर द गेम. फ्रॉम एडजेसेंट स्ट्रीट आई कुड हियर लाफ्टर एंड चैटर. और राइटर ये बोल रहे हैं कि दूसरे गली से में किसी की किसी लोगों का खुशी और चिल्लाना ये सब सुन रहे थे. ऑलरेडी रूफटॉप्स वेयर जैम्ड विद स्पेक्टेटर्स रिक्लाइनिंग इन लाउंज चेयर्स हॉट टी स्टीमिंग फ्रॉम द थर्मोसेस एंड द म्यूजिक ऑफ अहमद जहीर ब्लारिंग फ्रॉम कैसेट प्लेयर्स. तो अभी यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि ऑलरेडी रूफटॉप्स वेयर जैम्ड विद स्पेक्टेटर्स. जो घर का जो छत का जो हिस्सा होता है वो सब ऑडियंस से भरा हुआ है. लोग आए हैं देखने के लिए और पूरा एकदम फुल है. और क्या है, स्पेक्टेटर विद स्पेक्टेटर्स रिक्लाइनिंग इन लाउंज चेयर्स. तो वो छत के ऊपर चेयर्स लेके वो बैठे हुए हैं अपना जगह जमा के उस गेम को देखने के लिए सब रेडी हैं. हॉट टी स्टीमिंग फ्रॉम थर्मोसिस. तो थर्मोसिस का मतलब होता है कि जो फ्लक्स हम कैरी करते हैं जिसके अंदर पानी या कुछ गर्म चीज़ रखने के बाद भी वो गर्म रहता है, इसको थर्मोसिस बोलते हैं. और उन कंटेनर्स में से धुआँ निकल रहा होता है, चाय का, गर्म चाय का धुआँ, और यह नज़ारा बहुत सुंदर होता है. ओके एंड द म्यूजिक ऑफ अहमद जहीर ब्लारिंग फ्रॉम कैसेट प्लेयर्स. और लोगों ने म्यूजिक बजाया है किसका, अहमद जहीर एक सिंगर है, उनका म्यूजिक वो राइटर सुन सकता है, कैसेट में ये गाना बजाया हुआ है. आई टर्न माई गेज टू अवर रूफ टॉप फाउंड बाबा एंड रहीम खान सिटिंग ऑन ए बेंच. मैंने ऊपर देखा और घर के ऊपर रूफ टॉप में मेरे बाबा और रहीम खान दोनों एक बेंच पर बैठ रहे थे. बोथ ड्रेस्ड इन ऊल स्वेटर्स. दोनों ने ऊल का स्वेटर पहना हुआ है. सिपिंग टी, चाय की प्यास, चाय पी रहे थे. बाबा वेव्ड, बाबा ने मेरे तरफ देख के हाथ हिलाया. आई कुडंट टेल इफ ही वॉज वेविंग इट मी और हसन. पर मुझे कन्फ्यूजन है कि उन्होंने मुझे देख के वेव किया या हसन को देख के वेव किया. सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे. टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. थैंक यू.